हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजहर और आप देख रहे हैं हसनैन बर्ड्स अवेरी। हाजिर हूँ दोस्तों एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोकाटल के अंडों से बच्चे कब निकलते हैं, कितने दिन में निकलते हैं और उनका जो हैचिंग टाइम होता है वो कितना होता है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से दबा दीजिए ताकि हमारी जो लेटेस्ट आने वाली जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोकाटल का जो हैचिंग टाइम होता है वो 18 से लेकर 22 दिन का होता है। 18 से लेकर 22 दिन के अंदर बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। मोस्ट ऑफली 20 दिन के बाद ही बच्चे निकलते हैं दोस्तों, और कभी कभी 18 दिन के बाद ही बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो कब निकलते हैं 18 दिन के बाद और क्यों निकलते हैं, तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों। बहुत ही मज़े की बात है, बहुत ही डीपली बात है, ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी। ये मेरे खुद का तजुर्बा किया हुआ है और मैंने खुद ने इस चीज़ को नोट किया है, तब जाके मैं आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, माइनर सा फ़र्क आता है, एक दो दिन का फ़र्क आता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, लेकिन मज़े की बात है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जो वेदर होता है वो फुल गर्म रहता है और सर्दियों के मौसम में सर्द रहता है, ये हम सभी को पता है। अब दोस्तों, अंडों के ऊपर दिन में मेल बैठेगा और रात को फीमेल बैठेगी, उनको अंडों को इंक्यूबेट करेगी, ठीक है। और कुछ टाइम ऐसा होता है जब दोनों ही अंडों को इंक्यूबेट करते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही बॉक्स में बैठकर अंडों को इंक्यूबेट करते हैं। और कुछ टाइम ऐसा होता है दोस्तों, दोनों ही बाहर आ जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, दाना पानी करते हैं कुछ ही देर के लिए और फिर वापस अंदर चले जाते हैं। तो वो जो थोड़ी देर होती है जब वो दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं गर्मियों के मौसम में, तो जो मौसम तो वैसे ही गर्म है तो अंडों की जो गर्माहट होती है वो ऐसी की ऐसी रहती है, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। इस वजह से दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जो अंडों का हैचिंग टाइम है कोकाटल का या किसी भी बर्ड का, आप समझ लीजिए एक दो दिन जल्दी हो जाता है। जैसे कि कोकाटल का समझ लीजिए 18 दिन के बाद बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं गर्मियों के मौसम में। अगर आप इस चीज़ को नोट करोगे तो आपको पता चलेगा। और सर्दियों के मौसम में दोस्तों, जब इन्होंने एग ले किए तो दिन में मेल इंक्यूबेट करेगा और रात को फीमेल इंक्यूबेट करेगी, या दोनों ही अंडों को इंक्यूबेट करेंगे, या दोनों ही बाहर आकर मौज मस्ती करेंगे। जब अंडों को इंक्यूबेट करने वाला कोई नहीं रहेगा तो सर्दियों के मौसम में जो मौसम रहता है फुल सर्द रहता है, अपने जो दीवार वगैरह है, केज है, ये सब ठंडा हो जाता है। तो जब अंडों को इंक्यूबेट करने वाला कोई नहीं रहता तो अंडे धीरे धीरे ठंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं, उनकी जो गर्माहट होती है वो जाती रहती है। फिर जब कुछ देर के बाद मेल और फीमेल या दोनों ही अंडों पर आकर बैठ जाते हैं तो अंडों की जो गर्माहट होती है वो फिर से आना शुरू हो जाती है और उनकी जो प्रोसेस होती है वो शुरू हो जाती है। तो इस वजह से एक दो दिन अंडे को जो हैचिंग टाइम होता है वो बढ़ जाता है। और एक और चीज़ दोस्तों, कि अगर 4 घंटे तक मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी अंडों पर नहीं बैठा, उनको इंक्यूबेट नहीं करा 4 घंटे, तो दोस्तों अंडे ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं, अंडे डेड इन शेल हो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस लाइन के अंदर, इस चीज़ में, बर्ड्स हॉबी में अगर आप नए हो तो आप अंडों को चेक करना अवॉइड कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं चेक करने की, आप अंडों को चेक मत कीजिए। आपको 20-22 दिन के बाद रिजल्ट मिल ही जाएगा कि अंडे फर्टाइल थे कि अनफर्टाइल थे, ठीक है। अगर आप प्रो हो जाते हो इसके अंदर, फिर उसके बाद आप कभी भी चेक करो, कभी भी मतलब 8 या 10 दिन के बाद ही आपको चेक करना है, तभी आपको पता चलेगा कि अंडा फर्टाइल है कि अनफर्टाइल है, ठीक है। अगर आप नए हो तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि कोकाटल का जो अंडों का हैचिंग टाइम होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कोकाटल के जो बच्चे हैं, जो चिक्स होते हैं, वो सेल्फ कब होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखें और अपने बर्ड्स का भी ख्याल रखें।